मतलब 25 साल पुरानी बिछड़ी हुई बहन और सहेली मिल गई स्कूल से छुट्टी हो गई इसके घर और जब मतलब हो जाता था कि इसके घर टाइम हो गया तो ये छोड़ने आती थी मुझे मेरे घर चलो बहुत ही बढ़िया। अरे वाह साक्षी को बहुत अच्छे से पहचान। सब कुछ खाओ और योगा करो सुबह सुबह। दिन गई बेचारी वॉक पे और उसके बाद फिर पड़ गई घर पे। बहुत साल बाद मिली है तो बात किसी की नहीं। चढ़ गई थी दो चार दिन ये आएगी मेरे घर तब फिर मिलवाऊंगी अच्छे से। इसके और बचपन की बाकी सारी रहा होगा सारी बातें बचपन की जानती है। और गजब वाली दोस्त हाँ बिल्कुल और हम जहाँ बचपन से रहे हैं वहीं पे मकान ले लिया। हाँ। सबसे अच्छी बात पूरा गांव जो है ना हम लोगों का ही बसा हुआ है आगे तो कुछ नहीं है। अच्छा एक बात ये बता देना भात क्यों नहीं छोड़ पाती। हेलो एवरीवन आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है कुक एंड ब्लॉग्स विद झा। ये वीडियो थोड़े दिन पहले की है जब मैं शादी में गई थी और शादी में गई थी वहाँ पे रिकॉर्डिंग की थी और कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा कि मैं ये वाली क्लिप आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई और कुछ दिनों से तबीयत भी ऐसी है कि कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ भाई की शादी में आई थी हमारे रिलेटिव ही हैं ये भी भाई लगता है मेरा यहाँ पर आई थी वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन आज मैं आई हूँ किसी शादी में मतलब अपने भाई की शादी ही थी और यहाँ पर मुझे मिले ये सुंदर सुंदर से सब्सक्राइबर इन्होंने ही मुझे पहचाना। आवाज बहुत तेज मेरा गला ही थोड़ा बैठ गया आज इन्होंने मुझे पहचाना बहुत तेज से देख रही थी मगर ये मतलब बता नहीं पा रही थी कि आप ही हो। ये होता है ना और कहती है रोज ब्लॉग में देखती हूँ बहुत बढ़िया एजुकेशन में ना बोल नहीं पा रही थी कि मैं मतलब आपके ब्लॉग देखती हूँ आप चैनल। अच्छा हेजिटेट कर रही थी बोलने में लेकिन ब्लॉग रोज देखती हैं। चलो बहुत ही बढ़िया। अरे वाह साक्षी को बहुत अच्छे से पहचान ठीक है बढ़िया। तो आप लड़की का कौन है? ये नेबर होंगे ना यही के नेबर। अच्छा नेबर है यहाँ पड़ोसी है ठीक है चलो कोई बात नहीं लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा थोड़ा प्यार होता है तभी तो इंसान इतनी देर तक 11 बजे रात तक वेट करेगा। ये जा रही थी मैंने देखा। अच्छा चलो बस हो गई बातें चलो। हमारा यही हाल है हम बिना जयमाला देखे कभी नहीं जाते वापस। और इसमें और हमको लेट तक ही आते हैं जब तक ये देखेंगे नहीं ना जयमाल सही जयमाल। तो इसी तरह हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स बहुत जगह हमें टकरा जाते हैं कई बार शालीमार गार्डन मार्केट में एक बार तो अयोध्या जी में भी है ना चित्रकूट में बहुत जगह सब्सक्राइबर्स बोलते हैं अरे वाह आपका तो चैनल है बहुत अच्छा लगता है सुन के। अब हाँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है मतलब 25 साल पुरानी बिछड़ी हुई बहन और सहेली मिल गई क्लासमेट और हम लोग साथ में कितने मजे किया करते थे भारद्वाज की छत पे स्कूल से छुट्टी हो गई तो इसके घर और जब मतलब हो जाता था कि इसके घर टाइम हो गया तो ये छोड़ने आती थी मुझे मेरे घर। हाँ सही में वो भी दिन थे दिनों बाद मुलाकात हुई अच्छा लगा बहुत बढ़िया सच में। और यहाँ दूल्हे राजा दुल्हन का वेट करते हुए भैया वेट है कि खत्म ही नहीं हो रहा ये लोग स्लो हैं। एक तो दूल्हे राजा दूर देर से आए हैं और ऊपर से दुल्हन भी देर कर रही है ना ये छोटा भाई दूल्हे राजा का देख लो भाई लोगों से भी पहचान लो इसे कोई नहीं सुधरने वाला। हमारी बहन है संजीला हमने बहुत सारे नुस्खे दिए लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है ये कुछ नहीं करेगी अच्छा अगर मीठा नहीं छोड़ पाई तब तो बिल्कुल भी नहीं हो पाओगे पतले भाई अगर पतला होना है तो मीठे मतलब मीठा जो है वो छोड़ना पड़ेगा। नहीं मैं कहती हूँ गुड्डू सब कुछ खाओ और योगा करो सुबह सुबह कपालभाति करो नहीं अनुलोम वो झाजी हमारे थोड़ा शरीफ से है ना वो बोलते हैं कि भैया तू सोती रह
इसलिए उठाते नहीं है। दो चार दिन गई बेचारी वॉक पे और उसके बाद फिर पड़ गई घर पे। दो लाख रुपए किस चीज में? नहीं तो फिर इन सब चीजों में भाई परहेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। हाँ बिल्कुल, चलिए ले लीजिए। यहाँ पे देखिए, क्यों गौरी हेलो कर दी यहाँ पे भी? हेलो भाई, बातें तो खत्म ही नहीं हो रही। बातें बहुत साल बाद मिली है, बात तो बातें खत्म हो रही है। कुंभ में भी चढ़ गई थी आफ्टर लॉन्ग टाइम। सीरियसली? नो नो नो, दैट इज समथिंग। इतनी बातें है ना कि बोलू फोन करे हम जा नहीं रहे। सच में ये खत्म ही नहीं हो रही है बात। अब तो इसके पेट में हलचल होगी, दो चार दिन ये आएगी मेरे घर तब फिर मिलवाऊंगी अच्छे से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दो तीन घंटे हम क्या पूरा दिन स्पेंड करेंगे? हाँ। और पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। सारी बातें बचपन की जानती है। हम ऐसे थे ना, मतलब क्या मैं बताऊं, बहुत दाग काटी दोस्ती थी सच में। बिल्कुल, बहुत गजब वाली दोस्ती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चट्टी बट्टी। और बुआ ये हम लोगों की शादी हुई और हम लोग जहाँ बचपन से रहे हैं वहीं पे मकान ले लिया। हाँ। सबसे अच्छी बात ये हुई तो हम अपने मायके में ही रह गए। बहुत लोग कहते हैं ना, आंटी आज क्या कमेंट आया था, आंटी अपने सास ससुर को दिखाओ, सुनो अब मेरी बात। सास ससुर के पास है 30 बीघा, कौन संभालेगा? सही है? वो वहीं पे है। और वो वहाँ है, देवर है एक, इकलौते देवर, इकलौती ननद, सब सेटल है, सब अपनी गवर्नमेंट जॉब में, कौन आ रहा है मेरे पास, है ना? सही बात। अरे आंटी आप मायके में ही रहती हो और फिर किसी और को कोई देवी तो नहीं देता बेटा। हम लोगों ने क्या किया, मायके में ही अपना घर ले लिया है, घर खरीद लिया है। तो मायके में लेने से फायदा होता है ना, बच्चे होते हैं, सपोर्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है ना। बात ये होती है ना, परदेश में है तो परदेश में तो सभी परदेशी है ना, सेटल हो गए। मतलब परदेश में क्या होता है कि सभी परदेशी है, मेरे मम्मी पापा भी परदेशी है तो हम वहीं पे रह गए। सही बात। ऐसा नहीं है कोई यहाँ मायके है, मगर हाँ हमारी पूरी पूरा गांव जो है ना हम लोगों का ही बसा हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, पता नहीं पूरा मैस कर दिया वैसे लोगों ने ना, फैला बहुत दिया है इसलिए मैं कैमरा ज्यादा घुमा नहीं रहा हूँ। अब यही देख लो ना कितना फैला हुआ है, रात के 1:15 बज रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है। क्या इधर ही सोचिए ना, ठीक है ना? तो देखिए आगे बोल तो कुछ। शरीफ बन गई है। अच्छा एक बात ये बता देना, भात क्यों नहीं छोड़ पाती? मीनू मीनू हेलो बोल। हेलो ये है बिचौलिया। मैं बुला लेती हूँ जिसको। ये इधर भी कर रही है, मगर संभाल रखा है ना तूने भी है? ये भी जो है ना, ये हमारे गांव की है, ये भी यहीं पे रहती है, सब सब हम लोग यहीं रहते हैं, तो ये भी मेरी सिस्टर ही है, ये तो मिलती रहती है। और यहाँ पर बातें बंद नहीं हो रही है। मीनू मीनू क्या कंफ्यूज रहती थी, मैंने कहा बात क्यों नहीं करती? हाँ सच में आज बात कर रही है ना, अच्छी बात बोली ना। चलो ये व्लॉग जितना भी लंबा हुआ होगा इसको यहीं पे एंड कर देते हैं और मिलते हैं नए व्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।